इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके जाऊंगा अमृतसर से अल्मोड़ा वाया हरिद्वार, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन आपको अमृतसर से अल्मोड़ा के लिए नहीं मिलती, तो आपको वाया हरिद्वार होते हुए हल्द्वानी, हल्द्वानी से आगे फिर आपको बस मिलती है, वो करके आप जा सकते हो अल्मोड़ा में। तो इस जर्नी में आप वो सब देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे सुबह का टाइम था तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे कोहरा था अमृतसर से जैसे मैं निकला, और रास्ते में जर्नी बहुत अच्छी थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। ये सफ़र मैंने शुरू किया था 24 सितंबर को। अमृतसर से निकलने के बाद जो पहला स्टेशन आता है उसका नाम है ब्यास। ब्यास में ये एक मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद ये जाती है जलंधर। जलंधर से फिर जाते हैं फगवाड़ा, लुधियाना। लुधियाना में इस समय नहीं रुक रही थी, ये अभी रुक रही है टंडारी कला में। ये आप जो देख रहे हो ये है सानेवाल के पास। ये कंटेनर्स जो पड़े हुए हैं ये अलग अलग कंपनी के हैं। यहाँ से अगर आप कंटेनर्स में कुछ सामान वगैरह भेजना चाहते हो बाहर, तो यहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं दिखा पाऊँ, जब आप अमृतसर से निकलते हैं और लुधियाना के पास पहुँचते हैं तो ये आपको दिखेगा और इसका मतलब क्या है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये क्या है। और ये जो है सानेवाल के पास है, जहाँ पे धर्मेंद्र जी का गांव है। धर्मेंद्र जी बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो यहीं से ही रहे, तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है। अमृतसर से चल के बिल्कुल राइट टाइम पे इस ट्रेन ने मुझे हरिद्वार में उतार दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो हरिद्वार का स्टेशन, और अभी आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ क्या टाइम हुआ है। यहाँ पे हुआ है अभी 2:05, 2:05 पे यहाँ पे मुझे पहुँचा दिया था इस ट्रेन ने। तो यहाँ पे उतरने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5:30 के करीब एक ट्रेन जाती है जो कि जाती है काठगोदाम, तो उस ट्रेन में आपने जाना है। तो यहीं से वो ट्रेन आपने लेनी है हरिद्वार से, तो यहाँ स्टेशन से आप टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट बुक करके आप जा सकते हैं। तो मेरी ट्रेन जो आगे की थी वो थी देहरादून जन शताब्दी, जो कि मुझे काठगोदाम में छोड़ती, लेकिन मैंने हल्द्वानी तक जाना था तो हल्द्वानी तक मैं इस ट्रेन में गया। ये ट्रेन चलती है 5:20 पे। मेरे पास टाइम था तो मैं गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए चला गया। अभी इस टाइम पर मैं, आप देख रहे हो, मैं बैठा हुआ हूँ इलेक्ट्रिक ऑटो में जो मुझे घाट पर उतारेगा, जिस घाट पर मैंने जाने के लिए नहीं बुक किया था। हरिद्वार से चल के फिर मैं हल्द्वानी पहुंचा था अराउंड 12 बजे, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गया था। उसके बाद मैंने आगे के जर्नी जो थी वो बस में करनी थी, तो यहाँ पे ये नाइट बस मैंने ली थी जो मुझे अल्मोड़ा उतारती। अगर आप भी अल्मोड़ा जा रहे हैं रात के टाइम पे हल्द्वानी से, तो ये बस आपको मिलेगी। और ये जो ट्रेन थी ये काठगोदाम तक जाती थी, तो काठगोदाम से बस नहीं मिलती आपको, तो हल्द्वानी उतरें आप और वहाँ से बस लें। तो ये बस जो है मुझे 5 बजे इसने छोड़ा था अल्मोड़ा में, जो कि पहले भी छोड़ सकती थी, पता नहीं एक घंटे के लिए बीच में ये रुक गई थी किसी दुकान पे खाने पीने के लिए। तो ये साइन बोर्ड देख सकते हो नैनीताल, भवाली और अल्मोड़ा का। और रास्ते में जाते हुए इसी बस में आपको एक साइड पे नीम करोड़ी बाबा जी का आश्रम भी दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम पर भी देखने में, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी नाइट जर्नी है अगर आप चाहते हैं तो। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे ये बसेस रुक जाती हैं एक एक 1.5 घंटे के लिए, और ये सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे है अल्मोड़ा शहर से। और यहाँ पे ये मिठाई वगैरह की दुकानें, यहाँ पे रुक जाते हैं ये लोग, एक एक घंटा वेट करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सरकारी बस है, और ये चलती है 12 से 12:15 के बीच में हल्द्वानी बस स्टैंड से। तो 70 से 80 किलोमीटर की जर्नी है ये। इस जर्नी को कम्प्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है इन बसों को, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो धीरे से चलाना पड़ता है बस को। एवरेज स्पीड 20 से 30 की मेनटेन ही हो पाती है। वैसे तो ये 4 बजे पहुंच जाए, लेकिन 1 घंटा ये 2 किलोमीटर पीछे ही रुक जाती है, इस वजह से 5 बज जाते हैं। अच्छा, तो जिस लोकेशन पे मैंने पहुंचना था तो मैं टाइम से पहुंच गया था, ये सुबह का वीडियो है। और इसके बाद मैं पूरा सर्किट कंप्लीट करूंगा, जैसे मैं हरिद्वार से वाया हल्द्वानी आया हूँ अल्मोड़ा, इसके बाद मैं अल्मोड़ा से वाया करण प्रयाग जाऊँगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब रहें, वो भी वीडियो आएगा। और बीच के जो वीडियोज़ हैं जहाँ जहाँ मैं घूमा था अल्मोड़ा में, वो आपको दिखाऊँगा, वो भी देखना आपको शायद अच्छा लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, वो भी वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। धन्यवाद।